अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, और आज का टॉपिक है हमारे पास डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट इन पीएचपी। तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट क्या होते हैं हमारे पास, और इसको किस तरीके से यूज किया जाता है, क्या सिंटैक्स होता है, तो देखेंगे आज की क्लास में। तो पीएचपी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट आर यूज्ड टू मेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन सम कंडीशन। पीएचपी डिसीजन स्टेटमेंट जो है वो इसलिए यूज किए जाते हैं ताकि आप कोई डिसीजन ले सको कोई किसी स्पेसिफिक कंडीशन के रिगार्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बात की जाए कि यार हमारे पास एक कंडीशन हो कि अगर जो है वो आज बारिश होगी, ठीक है, तो हम जो है वो मान लो प्राइस खाएंगे या पकौड़े हम लोग बनाएंगे या जो भी हमने खाने का आइटम है वो हमने डिसाइड किया। लेकिन ये कंडीशन कब सक्सेसफुल होगी, ये कंडीशन तब सक्सेसफुल होगी हमारे पास जब बारिश होगी, यानी बारिश का होना ये कंडीशन है, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो उसी के बिहाफ पे हमारे पास हम जो है वो पकौड़े या फ्राइज खाएंगे, वरना अदरवाइज जो हम कर रहे थे वो कंटिन्यू कैरी करते रहेंगे। यानी हमारे पास डिसीजन हो, हमारे पास हम तब डिसीजन ले सके जब हमारी कंडीशन सक्सेसफुल हो रही है। मैं अगर एक और एग्जांपल कहूँ, यार अगर मैं सिनेमा गया तो पॉपकॉर्न खाऊंगा, तो अब ये पॉपकॉर्न खाना किस पे जो है वो रिलाय कर रहा है, मेरे सिनेमा जाने पे। अगर मैं गया तभी मैं पॉपकॉर्न खाऊंगा, वरना अदरवाइज जो मैं खा रहा हूँ या जो मेरे घर में बना है डेफिनेटली वही मुझे खाना है, ठीक है। तो मेरे को डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट क्या होते हैं, ऐसे स्टेटमेंट की जिनकी मदद से मैं क्या कर सकता हूँ, किसी स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर कोई डिसीजन ले सकता हूँ, कोई फैसला ले सकता हूँ, मेरे पास क्या कहलाते हैं, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। अब डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट अगर कितने तरीके के होते हैं, तो आपके पास होता है स्टेटमेंट, आप इनकी मदद से क्या कर सकते हो, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट को यूटिलाइज कर सकते हो। तो लिखा किस तरीके से जाता है, तो आते हैं अपने वापस बोर्ड पे, और लास्ट टाइम हमने देखा था कि हमने यहाँ पर तमाम ऑपरेटर जो है वो पढ़े थे, तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर क्या, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, और सिंटेक्स क्या होता है, मतलब अगर मैं कहूँ, अच्छा हमने देखा कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में मैं बार बार दो एग्जाम्पल दी, और दोनों के अंदर एक सेंटेंस मैंने कहा अगर बारिश हुई या फिर अगर मैं सिनेमा गया तो इफ, यानी अगर मतलब इफ, तो बिल्कुल प्रोग्रामिंग में भी जो है उसी सिंटेक्स को फॉलो किया गया कि इफ, और उसके बाद कंडीशन क्या है, बारिश का होना, तो इफ के बाद फौरन क्या आता है, इसमें आ जाती है आपकी पास आपकी कंडीशन। मैं आपको सिंटेक्स से कह रहा हूँ, सिंटेक्स इस तरीके से लिखा जाता है पीएचपी में इफ को, तो ये अगर, उसके बाद आपकी कंडीशन, और कंडीशन के बाद अब उस कंडीशन के सक्सेसफुल होने पर जो काम आप करोगे तो वो आप इसकी बॉडी में लिखोगे। अब ये क्या कहलाता है, मैंने आपको लास्ट में बताया था, ये आपके पास कंटिन्यू प्रोसेस ओपन हुआ, ये यहाँ पर क्लोज होगा, ये आपके पास क्या कहलाता है, स्कोप या फिर ब्लॉक, यानी इसकी जो स्कोप होगी इस कंडीशन के ट्रू होने पे, जो स्कोप इसकी है वो यहाँ से यहाँ तक है, यानी यहाँ से इसमें जो बात लिखी होगी वो किसके लिए चलेगी, इस कंडीशन के ऊपर, और अगर इसके बाहर मैं कोई बात लिखूं तो उसका इस कंडीशन से कोई वास्ता नहीं है, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो इसकी स्कोप से क्या है, बाहर हो चुकी है, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो, अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो आपके पास यहां चलेगा, यहां पर जो स्टेटमेंट लिखा होगा वो स्टेटमेंट रन हो जाएगा, वरना मैंने ऐसा को बताया कि अगर जैसे बारिश हुई तो हम जो है वो खाना खाएंगे, वरना जो हम कर रहे थे वो कंटिन्यू करेंगे, तो वरना के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट एल्स, ठीक है, एल्स, और उसके बाद फिर एल्स का ब्लॉक, याद रखिएगा एल्स में कभी कंडीशन नहीं दी जाती, क्यों, क्योंकि हम कंडीशन एल्स में कभी लगाते ही नहीं, क्योंकि हम जो काम कर ही रहे उस पर हमें कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। आई रिपीट, एल्स में कभी इस तरीके से कंडीशन अप्लाई मत कीजिएगा, ना अप्लाई की जाती है, ठीक है। अब एल्स कब चलता है, एल्स कब चलता है, जब आपकी कंडीशन सक्सेसफुल नहीं होती तो उसके बिहाफ पे क्या चलता है, एल्स, और इसमें हम क्या देते हैं, अपने स्टेटमेंट, यानी फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा कि जो कर रहे थे वो करते रहो। तो ये मेरे पास सिंपल इफ एल्स का सिंटैक्स है, और अब हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं किस तरीके से इसको प्रैक्टिकली यूज किया जाता है। तो सेम एग्जांपल हमने जो भी की, मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ जो कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन कंटेन कर रहा है, जैसे मैं यहाँ पर बना लेता हूँ इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन में क्या है, मैं यहाँ पर कह देता हूँ बारिश, मैंने लिख दिया क्या, बारिश, ठीक है, एक वेरिएबल, और उसमें एक वैल्यू डाल दी क्या, बारिश। अब मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ कि अगर बारिश हुई तो हम जो है वो खाना खाएंगे, ठीक है, तो मैंने लिखा इफ, इफ के बाद सिंटेक्स में मेरे पास यहाँ पर क्या आती है, कंडीशन, अगर बारिश हुई, तो मैं ये कहता हूँ डॉलर इन्फॉर्मेशन, यानी इस इन्फॉर्मेशन, यानी इसमें कोई वैल्यू मौजूद होगी, मतलब ये वाली वैल्यू, सही है,
मैंने कहा अगर इसमें जो भी वैल्यू है अगर वो बराबर है, बराबरी के लिए क्या यूज करते हैं डबल इक्वल्स टू, या फिर ट्रिपल इक्वल्स टू यूज करते हैं, डेटा टाइप को भी चेक करवाना। लेकिन अभी मैं डेटा टाइप भी नहीं, मैं चाह रहा हूँ दोनों लेफ्ट और राइट वाली वैल्यू मैच हो जाए, बस बहुत है, कंडीशन मैच होनी चाहिए। मैंने कहा इन्फॉर्मेशन, अगर जो इन्फॉर्मेशन में जो वैल्यू है अगर वो बराबर है किसके, बारिश की, यानी ये डॉलर इन्फॉर्मेशन में वैल्यू क्या मौजूद है, बारिश, यानी इसकी जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर, बारिश। सही है, अब यहाँ पर तय करो बारिश क्या बारिश के बराबर है, हाँ के ना, यानी कंडीशन ट्रू हो रही है। अब जो कंडीशन ट्रू हो रही है तो ये किधर रिजल्ट में जाएगा, यानी इसके सिंटेक्स में, इसके स्टेटमेंट में चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कहा डॉलर इन्फॉर्मेशन, यानी जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है अगर वो बराबर है बारिश के, तो यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करा दो, क्या एको, क्या वी विल ईट पकोड़ा। ठीक है, सही है, पहले ठीक है। और अगर ये कंडीशन, अगर ये इंफॉर्मेशन बारिश के बराबर है तो कौन सा स्टेटमेंट चलेगा, ये वाला। अब वरना गेम तो हमने बनाना है, अगर मान लो बारिश नहीं हुई तो हम लिखेंगे एल्स और उसके बाद इसके ब्लॉक और इसमें क्या मैसेज लिखेंगे, एको कैरी ऑन, जो आप कर रहे थे आप वही काम करते रहो। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं चेक करूंगा, अब ये मेरा प्रोग्राम चला, क्योंकि आपको जो है इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर क्या करता है आपके प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। जब वो आएगा तो वो देखेगा एक वेरिएबल बना हुआ इंफॉर्मेशन के नाम से, जिसके अंदर वैल्यू क्या है, बारिश। तो अब इफ बारिश इक्वल्स टू बारिश, बराबर हो गया, कंडीशन सक्सेसफुल ट्रू हो गई, जैसे ही ट्रू हुई ये वाला ब्लॉक रन करेगा, तो इसमें आएगा तो मेरे पास मैसेज स्क्रीन पे क्या आना चाहिए, ये वाला। अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करूं तो आप यहां देखो मेरे पास क्या मैसेज आ गया, ठीक है, क्यों आया, क्योंकि मेरी कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इस बारिश को, ये जो मैंने लिखा ये वाला, या मेरे पास यूजर से जो आ रहा है, या ये मैंने वेरिएबल में डाला, इसको मैं कर देता हूँ स्मॉल और अब कर देता हूँ फाइल को सेव, तो अब मेरे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या रिजल्ट आया मेरे पास, कैरी ऑन। कैरी ऑन क्यों आएगा, क्योंकि मेरे पास ये सेंसिटिव है, यहाँ पर क्या है कि यार वो ये चेक करेगा कि यहाँ पर जो मैंने बारिश दिया, जो करेक्टर मैंने यहाँ पर बी जो है वो कैपिटल में लिखा, वो वहां पर मैच नहीं कर रहा। ठीक है, तो यानी अगर मैं अगर कहूँ कि यार ये इन्फॉर्मेशन स्मॉल में लिखा है, तो अगर मैं कैपिटल इन्फॉर्मेशन से इसको कॉल करूँ इस वेरिएबल को, तो क्या ये सही तरीका होगा, नहीं, क्योंकि मैंने स्मॉल इन्फॉर्मेशन में वेरिएबल बनाया, मैंने कैपिटल में उसको वेरिएबल नहीं बनाया। ठीक है, तो यहाँ पर इसने इसको चेक किया कि ये जो बारिश है क्या वो इस बारिश के बराबर है, ये जो वेरिएबल है, नहीं, क्योंकि इस पे हमने कैपिटल वर्ड यूज किया, इस पे हमने स्मॉल यूज किया। तो अगर मैं फाइल को सेव करूं और रिफ्रेश करूं पेज को, तो मेरे पास रिजल्ट आता है क्वेरी ऑन, क्लियर हो गई बात। अब ये तो था हमारे पास एक कंडीशन के लिए, तो हमने देखा कि यार मेरे पास कोई एक कंडीशन होती। ठीक है, आगे चल के हम लॉजिकल ऑपरेटर भी पढ़ेंगे जो कि हम इफ एल्स में यूज करेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी हम इफ एल्स वो पे जो है वो फोकस करते हैं। तो मान लो अभी मेरे पास एक और कंडीशन आ गई, वो क्या आ गई कि यार अभी तुमने कहा कि अगर बारिश हुई, अगर बारिश हुई तो हम अपोलो दिखाएंगे। लेकिन अभी कंडीशन ये है कि अगर मैं सिनेमा गया, एक और कंडीशन है, अगर मैं सिनेमा गया तो पॉपकॉर्न खाऊंगा, तो मैं एक और कंडीशन है, मुझे एक एक्स्ट्रा कंडीशन बनानी हो, तो वहां पर हम यूज करते हैं एल्स इफ। क्या यूज करते हैं, एल्स इफ। अब एल्स इफ में आया और एल्स इफ में बनाई कंडीशन एज इट इज, जिस तरीके से हम यहाँ कंडीशन लिखे हैं तो हम बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर कंडीशन दी जाती है। अब मैं यहाँ पर कंडीशन देता हूँ क्या, कि मान लो इस डॉलर इन्फॉर्मेशन के अंदर मैं इसी को कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर वैल्यू आ जाती है क्या, सिनेमा। तो इस एल्स इफ में ये जो इसका ब्लॉक होगा तो वो रन करेगा, तो मैं यहाँ पर मैसेज कर देता हूँ क्या, वी विल ईट पॉपकॉर्न। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, अगर ये जो इन्फॉर्मेशन इस वेरिएबल में वैल्यू बारिश है तो ये मैसेज दिखा देना, अगर इसमें इन्फॉर्मेशन में ये वैल्यू सिनेमा है तो ये वैल्यू दिखा देना, लेकिन अगर इनमें से कुछ भी नहीं है, दोनों कंडीशन ट्रू ही नहीं हो रही, तो वरना में क्या दिखा देना, कैरी ऑन। तो अगर मैं यहाँ पर आके बारिश लिखा हुआ है, फाइल को सेव करूं, तो मुझे पता रिजल्ट क्या आएगा, कैरी ऑन। देख लेते हैं एक बार रिजल्ट, कैरी ऑन ही आ रहा है। तो अगर मैं आके यहाँ पर लिख दू, यहाँ पर इस वेरिएबल में जो वैल्यू है वो मैं डालू सिनेमा, तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, वी विल ईट पॉपकॉर्न, यहाँ पर देख सकते हो। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इस सिनेमा का जो है वो सी छोटा कर दू और आप फाइल को सेव करूं और रिफ्रेश करूं, क्या आएगा, कैरी ऑन। क्यों,
क्योंकि मेरे पास ने चेक किया कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो उस वैल्यू के राइट वाली वैल्यू के बराबर नहीं है, तो इसलिए मेरे को रिजल्ट क्या आ गया और में चला गया, इसलिए वो एल्स में जाके रन हो गया। ये तो एक तरीके का है पीएचपी में इफ और एल्स को यूज करने का, लेकिन एक और तरीका भी है इफ एल्स को यूज करने का पीएचपी के अंदर, ठीक है, देखते हैं वो तरीके से इसको कैसे यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आता हूँ मैं इस पूरे पार्ट को जो है मैं अभी क्लोज कर रहा हूँ, मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूँ कि आप पीएचपी कैसे यूज कर सकते हो। देखो यहाँ पर बिल्कुल ऐसे थे जैसे आप इफ लिखते और उसके बाद आपकी कंडीशन, तो मैं कंडीशन बिल्कुल सेम यहाँ से क्या कर रहा हूँ कॉपी और यहाँ पर कर दी मैंने पेस्ट। अब आपने ये जो बॉडी बनाई थी वो आप नहीं बनाओ, उसकी जगह क्या लिखोगे कॉलन, कॉलन लिखने के बाद आप क्या लिखोगे ये वाला पार्ट एको वाला पार्ट, आप यहाँ पर उसके लिए कर्ली ब्रेसेस का यूज नहीं करते। ये तो हो गया इफ, ठीक है। अब आपने इस इफ को बंद करना है, इफ अगर ओपन हुआ तो इस इफ को बंद भी करना होता तो आप क्या लिखोगे एंड इफ, और ये आपने कर दिया टर्मिनेटर से बंद। ये तो एक कंडीशन हो गई इफ आपने बताया, सही है। अब मैं इसमें एक और कंडीशन भी थी एल्स इफ वाली, को मैं एल्स इफ को यहाँ से सेम कॉपी कर रहा हूँ इस वाले पार्ट को, याद रखिएगा बस बॉडी नहीं बनती है, बॉडी की जगह क्या आया था कॉलम, और यहाँ पर आके मैसेज कर देता हूँ, यहाँ पर मैसेज लिख देता हूँ वी विल ईट पॉपकॉर्न, सेम मैंने यहाँ पर लिख दिया एक मैसेज, सही है। अब यहाँ पर मेरे पास बन गया, अब एल्स का पार्ट बनाना है, तो मैं यहाँ पर वापस आया और मैंने लिखा क्या एल्स, एल्स में तो चलाना है तो एल्स में क्या लिखूंगा कॉलम, और उसके बाद मैसेज क्या प्रिंट करा दूंगा एको में कैरी ऑन, यहाँ पर मैंने क्या मैसेज प्रिंट करा दिया कैरी ऑन। ये मेरा प्रोग्राम था, देखो कितना सिंपल सिंटेक्स है, याद रखिएगा इफ ओपन हुआ तो इफ का एंड भी होगा, उसके बाद कॉलन, कॉलन के बाद डायरेक्टली एको लिख दूंगा उसकी वैल्यू, बस ये याद रखो इसमें जो है ना वो कर्ली ब्रेसेस पे यूज नहीं होता, उसकी जगह आप क्या यूज करते हो कॉलन, और डायरेक्टली आपने एज इफ लिखा फाइल को सेव किया। तो आप मुझे बताओ इस इंफॉर्मेशन में वैल्यू क्या पड़ी सिनेमा, तो सिनेमा के हिसाब से मेरे पास इस प्रोग्राम में क्या रिजल्ट आना चाहिए, सही है। फाइल को सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ये अभी मेरा प्रोग्राम सही वर्क कर रहा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर आऊँ और इसको इस सिनेमा को मैं सी कैपिटल कर दूँ तो मेरे पास क्या रिजल्ट आना चाहिए, रिफ्रेश कर। तो बेसिकली हुआ क्या, यहाँ से हमने इस इफ को ओपन किया बिल्कुल सेम जैसे आपने कंडीशन दी वैसे इज वैसी कंडीशन दोगे, उसके बाद कॉलन, अब याद रखो आप इसकी ब्लॉक बनाते थे बस इस ब्लॉक की जगह क्या दे दोगे कॉलन, उसके बाद आपने इस ब्लॉक के अंदर जो मैसेज प्रिंट करते थे क्योंकि ये इसका ब्लॉक ही है, इसके बाद जो उसका मैसेज था वो आपने इसको प्रिंट कर दिया, ये समझ लो खत्म हो गया इसका ब्लॉक। अब आपने एक और कंडीशन बनानी है तो आपने एल्स इफ लिख दिया, फिर आपने उसका कॉलन लगाया उसकी बॉडी बनाई और इस तरीके से उसका एको का मैसेज प्रिंट कर दिया, फिर आपने और कंडीशन बनाई तो आपने डायरेक्टली एल्स के पार्ट पे चले गए तो आपने इस तरीके से एल्स बना दिए, और लास्ट में आपका ये भी ओपन हुआ तो यहाँ पर एंड हो गया। जी बिल्कुल बना सकते हैं, मैं यहाँ पर आता हूँ इस एल्स को दोबारा कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, मैं एक और कंडीशन बना लेता हूँ कि अगर जो है वो मैं ट्यूशन गया ठीक है, तो हम जो है वहां पर साइंस पढ़ेंगे, ठीक है, तो वी विल स्टडी साइंस, ठीक है, फाइल को सेव कर दिया। तो अगर मैं अभी मेरे पास इस इंफॉर्मेशन में वैल्यू क्या है सिनेमा, तो इस प्रोग्राम के हिसाब से मेरे पास रिजल्ट क्या आना चाहिए पॉपकॉर्न आना चाहिए ना। तो फाइल को सेव करते हैं, यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं पेज को, तो आप देखो वी विल ईट पॉपकॉर्न, लेकिन अगर मैं इस वेरिएबल में यहाँ पर डाल देता हूँ ट्यूशन, फाइल को सेव कर दिया, तो मेरे पास क्या वैल्यू होनी चाहिए कंफर्म, क्योंकि मेरे पास स्पेलिंग मिस्टेक है, सही है। आप देखो टी यू टी यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, तो अब मैं अगर कुछ करूँ सेव, अब मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा वी विल स्टडी साइंस, अब ये रिफ्रेश किया आपके सामने आपकी स्क्रीन पर रिजल्ट डिस्प्ले हो गया। तो ये तो था इफ एल्स और ये इसका दूसरा तरीका था कि आप इसको किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। अच्छा अब आते हैं नेस्टेड इफ पे, तो हम इसी एल्स को यूज करेंगे, अगर आपको क्योंकि आसान ज्यादा ये लग रहा है तो हम उसको यूटिलाइज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, इसी एल्स को मैंने ओपन किया और अभी कंडीशन है। अच्छा नेस्टेड इफ क्या होता है, एक और यानी इफ की कंडीशन के अंदर कंडीशन, यानी कंडीशन के अंदर कंडीशन का होना आपको क्या कहलाता है नेस्टेड इफ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि यार बारिश हुई, तो अभी मैं दो कंडीशन है, या तो मैं फ्राइज खा लूँ या मैं पकौड़े खा लूँ। जब ये अच्छा देखो कंडीशन थी, अब उस कंडीशन के बिहाव पे भी दो कंडीशन है, क्या है कि अगर बारिश हुई तो या तो मैं फ्राइज खा लूँ या तो फिर मैं
पकौड़े खा रहा हूँ। तो अब मैं यहाँ पर आया, मैं इसको रिमूव करा, तो अब मेरी कंडीशन के अंदर कंडीशन है, मैंने क्या लिखा इफ दोबारा से, और मैंने लिखा डॉलर कुछ वेरिएबल कॉल किया डॉलर इंफॉर्मेशन, और मैंने क्या लिखा अगर, सही है नहीं इसमें नहीं सॉरी, हम एक और वेरिएबल लेंगे क्योंकि हम इस इंफॉर्मेशन में तो ऑलरेडी बारिश हो चुकी है ना, यहाँ पर एक और वेरिएबल बनेगा डॉलर, और मैंने बना दिया यहाँ पर चेक के नाम से एक वेरिएबल, जो कि क्या चेक कर रहा है कि मतलब क्या जो है वो आपने खाना है, ठीक है। तो पकौड़े यहाँ पर जो भी वैल्यू की मैंने लिख दी, सही है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, और अगर मैंने कहा कि यार यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पर पास कर दिया कि अगर इस चेक वेरिएबल के अंदर, चेक वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है अगर वो बराबर है किसके, आपकी बराबर है पकोड़े के, ठीक है, तो यहाँ पर मैं मैसेज क्या कर देता हूँ, वी विल ईट पकोड़ा, वरना क्या होगा एल्स, एल्स में आए और हम क्या लिखेंगे सेम यही मैसेज को, पास किया कॉपी और यहाँ पर कर दिया पेस्ट, और हम क्या कहते हैं वी विल ईट फ्राइज, फ्राइज, ठीक है। क्योंकि अब हमारे पास दूसरी चॉइस नहीं बची ना, या तो हम पकोड़े खा रहे हैं या फिर हम फ्राइज खा रहे हैं, अगर वो कहते थे मैं पकोड़ा खाऊंगा तो वो डायरेक्टली जो है वो उसको मैसेज आ जाएगा पकोड़े का, वी विल ईट पकोड़ा। लेकिन अगर वो कह दे कि यार मैं मतलब उसने बात कही नहीं, किसने कुछ भी नहीं कहा, तो मेरे पास रिजल्ट में क्या आ जाएगा, यानी कोई और गलत बात कह दी तो प्राइस वो खाएगा है। तो अगर मैं चेक में आता और मैं लिख दू ए बी सी, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, हाँ वी विल ईट, ओ सॉरी वी विल स्टडी साइंस, लेकिन साइंस वाला तो हमने बनाया नहीं, तो यहाँ पर बनाना पड़ेगा हमें, तो कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर भी पेस्ट करना पड़ेगा हमें, इसकी ब्लॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। अब क्या आएगा मेरे पास मैसेज, वी विल स्टडी साइंस। तो अगर मैं अभी इसको रिफ्रेश करूं तो अभी देखो मेरे पास एरर आया, अच्छा एरर आया कि लाइन नंबर 36 में, 36 36 ये रहा। अच्छा इस वेरिएबल को मैंने बंद नहीं किया, टर्मिनेट नहीं किया, यहाँ पर आप रिफ्रेश करते हैं सिंटेक्स मिस्टेक, तो वी विल स्टडी साइंस। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बारिश पास कर दूं, सही है, तो बारिश पास होगा यानी इसकी इन्फॉर्मेशन किसके बराबर, बराबर होगी। अब बराबर हो गई, अब ये दोबारा कंडीशन में आएगा चेक करेगा कि क्या चेक के अंदर कोई वैल्यू मौजूद है पकौड़े के बराबर है, तो यहाँ पर नहीं, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, वी विल ईट प्राइस। देख लेते हैं रिजल्ट क्या आता है हमारे पास, वहां पर देख सकते हो हमारे पास क्या आ चुका है प्राइस। लेकिन अगर इस चेक वेरिएबल में, इस चेक वेरिएबल में मैं डाल दू पकौड़ा, तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, वी विल ईट पकौड़ा, ठीक है। तो अब मैं पेज को रिफ्रेश करूं तो मेरे पास यहाँ पर स्क्रीन पर रिजल्ट डिस्प्ले हो चुका है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर टॉपिक खत्म होता है इफ एल्स का, और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अपनी नई वीडियो में जो है वो स्विच केस का और लॉजिकल ऑपरेटर उसी के साथ पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह।